सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर पद के तनाव पर युवती के साथ काम करने वाला एक युवक ने छेड़छाड़ पिछले एक माह से कर रहा था। परेशान युवक को उठा ले जान की दे रहे थे धमकी। दोनों ने स्वास्थ्य विभाग में सर्वदा कर्मचारी हैं। पीड़िता से संविधानता दिवस के SSP और जिला अधिकारी की मामले में शिकायत की। शिकायत के बाद जनता का आरोप युवक को पकड़ कर टूटला पुलिस के समुदय कर दिया। अगर स्वास्थ्य अधिकार डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि इसके मामले में जांच का करार पुलिस अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए संजीव वर्मा जी की रिपोर्ट। संविदा कर्मचारी का मामला था जिसमें एक लड़की ने शिकायत की है एक कर्मचारी के बारे में। क्या है पूरा मामला? सुबह 10:30 बजे CM साहब ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब CSE टूंगला पर किसी सरकारी कर्मचारी ने सरकारी महिला से कोई बदतमीजी कर दी है, आप जाके इंक्वायरी कीजिए और क्या है मैटर मुझे बताइए शाम को लौट के। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मुझे उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है मिस्टर शाहरुख खान, उसने जो हमारी जो NCD में डाटा ऑपरेटर है खुशबू अग्रवाल से कुछ छेड़खानी की, तो उसके खिलाफ जो है ना लोगों में पूरे हॉस्पिटल में कर्मचारी में गुस्सा है और उनको जो है थाने बंद करवा दिया गया और मामले की जाँच पुलिस करेगी। ये संज्ञान ये मैटर जो है मैडम के और SSP साहब के संज्ञान में आ गया है और जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको ये तो काफी समय से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही। तो आप तो अब तक नहीं, तो मैं यहाँ का नोडल हूँ टुंडला का और पिछले काफी 4 साल से हूँ लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया था, आज ही मुझे मालूम पड़ा। क्या कोई विभागीय कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? नहीं, बिल्कुल होगी। क्या अधीक्षक जी आपको इसके अवगत कराने का कोई वो नहीं समझा? नहीं, उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया, मुझे आज ही मालूम पड़ा जब CM साहब ने मुझसे। अधीक्षक जी से ऐसे क्यों छुपाया गया, ऐसी संज्ञान में एक महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है क्यों छुपाया गया? अब ये तो जांच वाला विषय, उन्होंने क्यों छुपाया या उन्होंने कितनी गंभीरता से नहीं लिया इस मैटर को, ये हो सकता है। घटना कब से चल रही है? मतलब इसके साथ साथ में एक दो ऐसे प्रकरण भी आए जहां पर किसी महिला के साथ बदसलूकी हो रही थी, तो उसमें जो विपक्षी गण है उनको थाने पे बिठा लिया गया है और उसमें कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी। तो न्यूमरस